फलक आखिर इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? और यही नहीं बल्कि फलक जो है वो क्लियरली जानती है कि गलती कल बेबिका की थी, लेकिन तभी भी फलक जो है वो क्लियरली वन साइडेड बेसिस पर डिसीजन सुना रही है। और जिस तरीके से फलक की बात हो रही है, ये फलक क्लियरली ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड बेसिस पर डिसीजन दे रही है अपना। और ये बात सच में ऐसी लग रही है कि फलक जो है वो ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है मनीषा जाकर दूसरों की बातें सुन के इन्फ्लुएंस हो रही है और उस वजह से वो इतना ज्यादा भड़क रही है। लेकिन क्यों मनीषा पर ही उनका गुस्सा निकल रहा है और बेबिका पर क्यों नहीं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा अफूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दूं कि इस मोमेंट पर फलक जो है वो जिस तरीके से अपना गेम कर रही है, जिस तरीके से अपना गेम खेल रही है, क्लियरली बहुत ज्यादा सिली नजर आ रहा है वो पॉइंट पे। और वहीं अगर मनीषा का गेम देखे तो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि मनीषा को पता है कि क्या करने से उनको फुटेज मिलेगी और वो फुटेज लेने के लिए क्या कर सकती हैं। और यही नहीं बल्कि मनीषा साथ ही साथ ये भी जानती है कि कैसे उनको फुटेज लेना आता है। और वही बात बेबिका की करें तो यार बेबिका को बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि एक क्वालिटी है उनमें विनर्स वाली, अगर वो ये विनर्स वाली क्वालिटी अपने अंदर रखना चाहती हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो वो चीज़ें बोलती हैं उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि कल मनीषा और बेबिका की फाइट हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो रहे हो, अच्छा अब गेम शुरू हुआ है, ये सभी सेंटेंसेज हुए थे। जिसके बाद आज मनीषा जो किचन में खाना बना रही है तो उस दौरान फलक बोलती है, मतलब फलक ने, और ये सारी बातें जब उभरी तो ये जब बातें शुरू हुई तो मनीषा ने बोल दिया कि हम क्यों उससे बात करें, उसने हमको बोला डिप्लोमेटिक हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमको बोली गई। जिसके बाद फलक बोलती है चिल्ला मत, मैं तेरे बाजू में खड़ी हूँ। और फलक अननेसेसरीली यहाँ पर उन्होंने रिएक्ट किया, जो कि वो चाहती तो अवॉइड कर सकती, कि झगड़ा उनका था ही नहीं, झगड़ा बेबिका और मनीषा का हुआ है। लेकिन यहाँ पे फलक जो है वो क्लियरली बेबिका को बैकअप करती हुई दिख रही है, सपोर्ट करती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर पूजा ने आकर एक चीज़ बोली जो बहुत अच्छी थी कि मनीषा मैंने सुना कि कल उसने तुझे पहले बोला था, लेकिन फलक ने यहाँ पर एक चीज़ ऐड की कि हमें पता है कि कौन किसके साथ जा जाकर बैठता है, जहाँ पर मनीषा ने भी तुरंत बोला कि हमको भी पता है कि कौन किसके साथ जा जाकर बैठता है। यानी कि क्लियरली फलक जो है वो बेबिका को सही साबित करने में तुली हुई है, और एक हिसाब से देखा जाए तो मनीषा इसमें खराब पिक्चर में लेकर जाने की कोशिश कर रही है वो। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।